केंद्र व योगी सरकार योगा को अधिक महत्व दे रही है। देश में योगा दिवस धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है। आज पतंजलि समिति के सदस्यों द्वारा रूमा देवी अवरण सिंह इंटर कॉलेज कॉलीहाई बदायूं में छात्र छात्राओं को योग आरंभ कराया गया और योग के लाभ की जानकारी भी दी गई। छात्र छात्राओं के साथ साथ समस्त अध्यापक व अध्यापकों ने भी योग किया। शाजापुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एसएस लॉ कॉलेज की एलएलएम छात्रा को बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे एसआईटी ने रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी उसको चौक कोतवाली ले गई। वहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद एसआईटी छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंची। सीजीएम के छुट्टी पर होने के कारण एसजीएम कोर्ट में छात्रा को पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। लाए थे कि पूछताछ करने आए, फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखानी है, इस बहाने से घर पर गए थे और धोखे से जो है बिना कोई नोटिस दिए, बिना गिरफ्तारी दिए कोतवाली में ले आए। कोतवाली में कोई जबरन एक कागज है वो रिसीव कराया गया, उसको फोटो कापी उसकी कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्या कागज है वो? वो जो भी कागज है वो ये है, आप लोग ले सकते हैं। एसआईटी कल हमारे घर में पूछताछ के बहाने से घुसी, आज भी घुसी, ठीक है, कल पूछताछ के बहाने से घुसी और कल हमको एक नोटिस रिसीव कराया कि कल आपसे आग्रह पूछताछ करेंगे दोबारा से आकर के। कृपया करके आप अपने आवास पर स्थित रहें, आवास पर हम स्थित बने रहे। ये सुबह 7:30 बजे आए, इन्होंने 15 मिनट पूछताछ करी। 15 मिनट पूछताछ करने के बाद उससे कही अब तुम्हें अरेस्ट करेंगे। वो घबराई बराबर वाले कमरे में आई, पुलिस का नोटिस मांगा, नहीं दिया इन्होंने। वो बराबर कमरे में आई, घबराई हुई, बोली ये पापा मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। पापा बोले घबरा मत, कोई बात नहीं, हो जाने दे। तो वो बोली पापा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम नहीं जाने दिया, उसे चप्पल भी नहीं पहनने दी। बुरी तरीके से पूनम आनंद विवेचक ऐसा ही उन्होंने बुरी तरीके से उसको घसीटा। अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए सहायक जिला सूचना अधिकारी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना देहात इलाके में कलेक्ट्रेट परिसर से ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ये अधिकारी पत्रकार से अखबार को नियमित दिखाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। भिंड जिले के गोहद के आरोली गांव में बुधवार की सुबह सेना का एक MiG-21 क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस MiG-21 में सेना के 2 पायलट भी थे। फिलहाल दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसा किस कारण से हुआ इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। बीदर जिले के औराद कमाल नगर रोड पर तौरना ग्राम के पास बीदर जिले के आबकारी विभाग डीसी विराना के नेतृत्व में योजना बनाकर की गई कार्रवाई में 24 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। काफी दिनों से इस इलाके से गांजे की तस्करी की जानकारी पर यह कार्रवाई की गई। बीदर जिले औराद तालूकिनल्लि निन्ने रात्रि 11 गंटेगे अंद्रे दिनांक 24/9/2019 रात्रि 11 गंटेगे नम्म औराद तालूकिन सिब्बंदी शब्बीर ದೌಲತ್ ರಾಯ್, ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆ ರಸ್ತೆ ಗಸ್ತು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂದೆ ಛತ್ರ ಚವ್ಹಾಣ್, ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕಮಲ್ ನಗರದಿಂದ ಔರಾದ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತೋರಣ ಕ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇದು 2 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ 12 ಪಾಕೆಟ್, ಒಟ್ಟು 24 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಾಂಜಾ ಭಾಳ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಾಲೂಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥವು ಯಾವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಗಸ್ತು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂದಾಜು 1-2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವೀರಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪಾಯುಕ್ತರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ.